देखते हैं दोस्तों, आपको दिखाते हैं एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले इंस्टूडेंट से बात करवाते हैं। रात के 12 बज चुके हैं और अभी भी वो तैयारी में लगे हुए हैं। अब देखो कैसे आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, ये चीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन लाएगी। देखो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, 2021 की एसएससी जीडी में कुछ पॉइंट से रह गए थे, बाकी इनकी मेहनत को सलाम है, रेगुलर उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें। 2018 में बीएसएफ में भी इनका सिलेक्शन हुआ था। देखो इनसे बात करते हैं कैसे ये तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन सी बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं, कौन सी बुक्स बेस्ट है, तो बिल्कुल इनसे बात करते हैं। देखो अभी क्या किसकी तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की? जी सर, एसएससी जीडी। अच्छा, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, क्या मिला रहे हो? मैथ? जी सर, मैथ के लिए कौन सी बुक पढ़ रहे हो? रामनिवास मथुरिया। अच्छा, रामनिवास मथुरिया की, काफी अच्छी बुक आती है। देखो मैथ के लिए रामनिवास मथुरिया की ये बुक है, काफी अच्छी है, मैथ के सारे टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक से दिए गए, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी है, शायद इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। इसके अलावा आप हिंदी के लिए कौन सी बुक पढ़ रहे हो? सर ये नवीन हिंदी व्याकरण, एनसीईआरटी। अच्छा, हिंदी की ये बुक काफी अच्छी है, नवीन, क्या नाम है, नवीन हिंदी व्याकरण रचना, जो कि क्लास 9 से लेकर 12 तक के पाठ्यक्रम पर आधारित है, काफी अच्छी बुक है बच्चों। कोई से भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम से रिलेटेड ये बुक है। इसके अलावा रीजनिंग के लिए, रामनिवास मथुरिया की ये रीजनिंग की बुक है, ये भी काफी अच्छी बुक है, सारे टॉपिक इसमें भी क्लियर किए गए। उसके अलावा जीके के लिए घटना चक्र है। जी हाँ दोस्तों, घटना चक्र पढ़ रहे हो आप? जी सर। अच्छा, इसकी क्या विशेषता घटना चक्र की? सर इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह आ जाते हैं। हाँ हाँ, एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए 1999 से लेकर अब तक के जितने भी आप लोगों के एग्जाम हुए, वो सारे क्वेश्चंस इसमें दिए गए। मैथ, सॉरी आपकी जीके है, जीके के साथ में आपका जीके में जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, उसके साथ ही साइंस के भी सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए। इसके अलावा ये कौन सी बुक है? जी सर ये जीके की है। ये भी जीके की। देखो बच्चों, जीके के लिए आपको इतनी बुकें पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि एसएससी का जीके का लेवल काफी अच्छे, ये लुसेंट है, लुसेंट भी काफी अच्छी बुक आती है। बाकी प्रैक्टिस के लिए क्या यूज करते हैं आप, क्या प्रैक्टिस है? ले रखा है मैंने जी, आपका टेस्ट सीरीज भी ले रखी है सर मैंने ऑनलाइन। अच्छा अच्छा, तो रात को कितने बजे तक पढ़ाई करते हो आप? सर रात को मैं 12:30-1 बजे तक। 12:30-1 बजे तक आप तैयारी करते हो, और सुबह कितने बजे उठते हो फिर? सर सुबह मैं समथिंग 5:30-6 बजे उठता हूँ, ठंड ज्यादा पड़ती है इसलिए। जी जी जी, तो रात को 12:30-12:30 बजे तक तैयारी करते हो, तो फिर उसके बाद में दिन में कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर रखी है या कोई ऑनलाइन कोर्सेज? 5:30-6 बजे उठता हूँ जी, फ्रेश वगैरह होकर नहा धो के 1-1.5 घंटा पढ़ाई करता हूँ जी, उसके बाद में 8 बजे कोचिंग जाता हूँ जी, 8 से 2 कोचिंग में रहता हूँ जी, बाद में आता हूँ मैं जी, आके खाना खा के 1 घंटा रेस्ट करता हूँ, उसके बाद में वापस 3 बजे से 8 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। अच्छा अच्छा, बाद में 1 घंटा वापस खाना खा के थोड़ा घूम लेता हूँ जी, 9 बजे से 12-1 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो आपको ये एसएससी का कौन सा अटेम्प्ट है? एसएससी इससे पहले भी आपने एसएससी वगैरह का किसी का एग्जाम दिया या? सेकंड अटेम्प्ट है। अच्छा, इससे पहले वाला कब दिया? 2021 की एसएससी, तो उसमें क्या हुआ? सर उसमें कुछ 0.76 से रह गया था सर। अच्छा, कुछ परसेंट से रह गए थे, 0. कुछ से। उसके अलावा एसएससी के अलावा भी किसी और का एग्जाम दिया आपने कभी? सर बीएसएफ का दिया था। अच्छा, बीएसएफ का कौन सा? ये 2000 अभी एग्जाम 4 दिसंबर को लगा, तो ये पेपर आपका कैसा? सर ये अच्छा हुआ है, वो जाना चाहिए। बाकी एसएससी अभी भी आपका फोकस है वो एसएससी जीडी पे है, 2022 पे काफी अच्छी वैकेंसी है, और बिल्कुल फोकस होना भी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी काफी अच्छी है और काफी बड़ी है। देखो दोस्तों, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो रात को 12:00-12:00-1-1 बजे तक रेगुलर इस तरह पढ़ते हैं, इस तरह मेहनत करते हैं, क्योंकि देखो कंपटीशन इतना ज्यादा है, कंपटीशन का जमाना है, और पढ़ने के लिए जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आप लोगों के लिए कम है। अब देखो ये इतनी बुकें ये रख रखी है, तो ये सारी बुकें ये पढ़ रहे हैं, मतलब जीके के लिए लुसेंट भी पढ़ रहे हैं, लुसेंट के साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए इन्होंने घटना चक्र ला रखी है एसएससी की, जिसमें 1999 से लेकर अब तक के जितने भी एसएससी के एग्जाम हुए उनके सारे क्वेश्चन हैं इनमें। इसके अलावा हिंदी के लिए इनके पास में प्रीवियस ईयर की बुक्स है, साथ ही रीजनिंग के लिए इन्होंने ये बुक ला रखी है, जिसमें सारे टॉपिक कवर किए गए भाई, सारे टॉपिक कवर किए गए। बाकी आप प्रैक्टिस के लिए क्या करते हो, प्रैक्टिस जैसे कि प्रैक्टिस सेट लगाते हो किस प्रकार ऑनलाइन, क्योंकि आपका एग्जाम तो ऑनलाइन है, आपकी टेस्ट सीरीज ले रखी है जी, जैसे हमारे कोचिंग में भी ऑनलाइन टेस्ट चलता रहता है। अच्छा अच्छा, देखो जितना ज्यादा आप टेस्ट देंगे, जितना ज्यादा अटेम्प्ट देंगे, उतना ही ज्यादा आप लोगों का स्कोर बढ़ने वाला है, क्योंकि समय इतना बचा नहीं है, 1 महीने का समय बचा है, और 1 महीने में जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों का स्कोर बढ़ने वाला है। तो बच्चों आपको भी देखो इससे देखकर मोटिवेट होना है, रुकना नहीं है, हो सकता है आपका कोई एग्जाम में आप रह गए हो तो भी आपको रुकना नहीं है, वो तैयारी आप लोगों की बेकार नहीं जाएगी, जब आप रुक जाएंगे तब वो आपकी तैयारी बेकार चली जाएगी। बाकी जिनका भी बीएसएफ का भी एग्जाम हुआ है उनको रुकना नहीं है, अभी एसएससी जीडी की तैयारी करनी है बेहतरीन, काफी अच्छी वैकेंसी है, काफी अगर आप मेहनत कर लेते हैं 1 महीने डेडिकेटेड होकर, तो बिल्कुल आप आराम से एसएससी जीडी में सिलेक्शन ले सकते हैं।